इन क्लास में पढ़ी नहीं, रिजेक्ट करे के पड़ल कैसे की पढ़ा भी नहीं के छोड़ आधा से ज्यादा कितना आदमी सुधर भी जाला के आदमी कितना आदमी बिगड़ भी जाला लेकिन हमने के फिल्म रहला उ सब के हमने के हेलो दर्शक बिन आज हम अपने लोगन के अपौनी गांव में जो बाबा बी फिल्म्स के प्रस्तुति एक फिल्म शूट हो रहल बा तकदीर फिल्म ओमे जे हीरोइन बनल बारी उनकर पिता के रोल सर निभा रहल बारन तो चली इनकरा से पूछल जाओ इनकर परिचय और इ फिल्म के उद्देश्य का बा चीज पर फिल्म बन रहल बा सबसे पहले हमनी से जानल जाओ इनकरा से। जी सर तो अपने अपन परिचय देवल जाओ। हमार नाम शिव प्रसाद कुजमी बा, घर हमार बीरगंज पिपरापरी वार्ड नंबर 14। इ फिल्म में हम एगो कलाकार के रूप में आज यहाँ हाजिर यहाँ आयल बानी आ इ फिल्म में तक फिल्म के नाम तकदीर बाटे। इ फिल्म में हमार कैरेक्टर बा हीरोइन के बाप के। जी तो ये फिल्म के कुछ उद्देश्य बतावल जाओ कि फिल्म में काका होई लव रोमांटिक फाइट वाइट कैसन बा का रही कुछ एकरा बारे में बतावल जाओ। फिल्म के नाम है तकदीर बा, ऐसे प्रश्न होता जे तकदीर के आधार पर आधारित फिल्म बन रहा बा। कोनो भी काम क्यों भी करो अपना तो मेहनत करे के पड़ेला अपन कर्तव्य निभावे के पड़ेला लेकिन तकदीर जौन करी वह होई। तो रह गए सवाल जे फिल्म में फिल्म तो देखिए आज के कोनो भी फिल्म में मार धार एक्शन एमें भी बाटे मार धार एक्शन रोमांस गीत फाइट सब कुछ बाटे। रह गए सवाल जे एगो ठाकुर के कहानी बाटे एमें गांव के ठाकुर होला जो गांव के सोझा साझा लोग के पर अत्याचार करेला तो का समझाला जे तकदीर हमारा मुट्ठी में बा लेकिन तकदीर केहू के मुट्ठी में ना होला। तकदीर ओका साथ देवला जे अपन कर्तव्य पूरा करेला। अंग्रेजी में कहावत बा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, जे अपन कर्तव्य पूरा करी तकदीर ओका साथ दे। ये फिल्म के मेन जड़ बा। सर ई जौन फिल्मी लाइन बा एमे अपने के कितना बरस हो गई ई फिल्मी लाइन में आयला? हमार तो 20 बरस से बेसी हो गई फिल्म लाइन में। समझी ना बहुत पहले 20-25 बरस पहले एगो कसम फिल्म बना रहे नेपाली ओमे से हम शुरुआत कैनी। फिर संजोग कह के एगो हमने टेली श्रृंखला बनैले से नेपाली में वो शुरू कैनी। ओके बाद बीरगंज में फिल्म बने के शुरू भेल एसपी खरेल से ओमे हम काम कैनी। ओके बाद दिलवाले जय मदेश में काम कैले बानी। इंडिया के बाका मूवी दुर्गा फिल्म बनल विराट भट्ट के साथ ओमे रानी चटर्जी ओके साथ हम काम कैले बानी। ओके मध्य रिक्शा वाला ओमे हम काम कैले बानी। ओके बाद कुछ वेब सीरीज भी हिंदी के वेब सीरीज रूपमती में काम कैले बानी हम। नेपाली वेब सीरीज आरती बाबू में हम काम कैले बानी। ओके बाद अभी हम 3 साल पहले जय मदेश में काम कैले बानी दिलवाले में काम कैले बानी। आ 3 साल पहले मदेशी बाबू फिल्म बनल रहे जौन कि नेपाल में बहुत चलल आ उ फिल्म अब इंडिया में चले जा रहा बा। वो फिल्म हम अपने बनैले बानी, हम कलाकार से एगो निर्माता हो गए नहीं वो फिल्म में। वो फिल्म के अपने कम जानकारी करावे चाहते नहीं यही माध्यम से आज अपने के रेडियो के माध्यम से जो वो इंडिया वो फिल्म अभी इंडिया में भी प्रदर्शन होकर जा रहा बाटे। तो इंडिया में के प्रदर्शन के ही क्रम में काल के डेट में एगो गीत रिलीज भइल बाटे अपना लगन देखम लगन डोली सजा के रखना बहुत बढ़िया गीत बनल बा सब आदमी देखी देखम लोग आ गीत के पसंद बहुत हमार विश्वास बा जो गीत के अपना पसंद करें बहुत अच्छा गीत बनल बाटे अच्छा शूट भइल बाटे और फिल्म सुपरहिट भइल बा पूरा नेपाल में चल गेल बा इंडिया में चले जा रहल बा। ओका बाद हमनी के फिर एगो दू गो वेब सीरीज हम बना चुकल बानी जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम के जा रहा बा निर्माता भी बानी हमारे कलाकार भी बानी। एगो तो तेजाब एक दर्दनाक कहानी ओका बाद मालिक मल्क मालकिनी और नौकरानी ई दू गो हमने के फिल्म शूट कर चुकल बानी सन अभी पोस्ट प्रोडक्शन में बाटे एक हफ्ता में हम आशा बाटे वो फिल्म आ जाई। ओके आज जौन बाटे हमें कई लोग ज्ञानेंद्र जी रिक्वेस्ट कैलन जो हमार मूवी में अपने एगो रोल कर दी बा हीरोइन के बाप के रोल बाटे तब तो अपने गाँव के लड़का लोग बाटे लोग सपोर्ट के वास्ते हम आके फिल्म में खेल रहा बानी। जी तो ई फिल्म में अपने अनी में ना ई फिल्म में जौन अपन कैरेक्टर देखाबे जनी और ई फिल्म में काम करे जनी तो ई फिल्म में काम करले से मतलब कैसन अनुभव हो रहल बा ई फिल्म में?
ठीक बा, बढ़िया बा। अब जैसे कि हम चाहें केहू भी चाहेला जी हमारे एरिया में ये फिल्मी क्षेत्र आगे बढ़ो, फिल्म में कलाकार लोग काम सीखो, काम जानो। यहाँ के भी लोग अभी तक इंडियन फिल्म खाली हमनी के देखे के मिलत ल, अब बिलियन में नेपाल में फिल्म जैसे नेपाल में नेपाली फिल्म बनता है या भोजपुरी फिल्म बनने लागल, तो यहाँ के भी यहाँ भी प्रतिभा बा, यहाँ भी कलाकार लोग बा, इन लोग का भी मौका मिले के चाही। ये सब देख के हम हमेशा सपोर्ट करता नहीं, हमें खुशी लागल जे ये लोग काम कर रहा बा, कते आ रहा बा, आगे भी कर लो, ये हमारा विश्वास बटे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद कुर्मी जी के जे तकदीर फिल्म में पिता के रोल में बानी, बहुत खुशी लागल इनकरा से कुछ बात कहनी। चलिए हम मिलावत हनी तकदीर फिल्म के जे हीरोइन कास्ट हैं उनकरा से। हेलो दर्शकबिन, तो अपने लोगन देख रहा बनी और आज तकदीर फिल्म के जौन शूट हो रहा बा उमें जो एक्ट्रेस के काम करे जनी उनकरा से आप हमेशा कुछ बात करें इनकर बारे में जानल जाए, तो सबसे पहले अपन अपन बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, हमर नाम आराध्या श्रीवास्तव, हम मिस बिर्गेन जाए और हम अभी लाइक ई हमर सेकेंड मूवी या शॉर्ट मूवी और अभी एल्बम सब में भी काम करें। फर्स्ट मूवी अपने का कौन रहे? रोशनी द ब्राइटनेस। ए हाँ, रोशनी द ब्राइटनेस में भी अपने काम कही नहीं। अच्छा, ओमे के अनुभव एमे के अनुभव कैसन लाग रहा बा? अभी अब तकदीर फिल्म में भी काम अपने करे जन, तो कैसन अपने के लाग रहा बा? बहुत नीमन बा, लाइक बहुत मतलब डायरेक्टर लोग मतलब हीरो सबके भी लाइक व्यवहार भी बहुत नीमन बा, कंफर्टेबल टाइप के बा, नीमन लागल जी। एमे तकदीर फिल्म में हीरो के कास्ट के निभा रहा बा, उनकर नाम कथी है? उनकर नाम मुन्ना मुस्कान, वे एमे के मतलब लीड रोल निभा रहा बा। तो अपने के मतलब एमे कितना सीन हमनी के शूट हो गई बा और कितना सीन बाकी बा, काका अभी शूट होए के बाकी बा, कुछ दर्शक के बताई। अभी उतना तो हमरा था नहीं खे, लेकिन बहुत सीन खत्म हो गल बा, बस तैका सा बाकी बा। अपने मिस नेपाल कितना कौना साल में बन रही, कुछ बतावे के चाहे? मिस नेपाल ना मिस बीरगंज बन रहे हैं जी। जी, मिस बीरगंज कौना मतलब साल में? अपने ये 2022 जी। हमने के जोन बीरगंज बिरगज बा वहाँ के बिरगज के मिस नेपाल 2022 में बना रहनी और इनका फर्स्ट फिल्म रहे रोशनी द ब्राइटनेस, अपने लोगों कहीं देखले भी हो कम, और इनका सेकेंड मूवी आ रहा बा तकदीर। और कुछ बतावे के चाहे हम जानता सके? अभी अभी हम 10 क्लास में पढ़े नहीं और अभी पढ़ाई उड़ाई पूरा कंप्लीट नहीं के भल, और मतलब जी अभी चला था और फिर अभी पढ़ाई के वजह से मतलब ऑफर आयल तो रिजेक्ट करे के पड़ल, कैसे कि पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकत, और फिर ये काम की फिल्म के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी, प्यार दी, और फिर समाज के रिलेटेड ये वीडियो मतलब फिल्म बा एकरा सपोर्ट करी। थैंक यू जी। हमनी के नेपाल सोसाइटी न्यूज के देखे वाला जितना भी दर्शक बा उकरो के भी कुछ कह दी अपना अनुभव में। ये काम की आदमी के आधा से ज़्यादा फिल्म देख के आदमी कितना आदमी सुधर भी जाला, कितना आदमी बिगड़ भी जाला, लेकिन हमनी के फिल्म देख के ओमे के नीमन नीमन बात जोन रहेला उ सब के हमनी के कैच करे के चाही और ख़राब बात के हुए छोड़ देवे के चाही, तो ज़्यादा से ज़्यादा नीमन चीज़ के हमनी के कैच करके ओकर देश आई मीन हमनी के सोसाइटी मतलब सबके डेवलप करे के चाही, ओमे के नया नया बात जोन खराब बा ओकरा के ख़त्म करके नया चीज़ के शुरुआत करे के चाही। जी, फिल्म देखी लोगन ओमे के जितना अच्छाई बा उहे घिंची लोगन, जितना बुराई बा ओकरा के छोड़ दी लोगन, कैसे कि बहुत के फिल्म देखेला जितना भी बुराई ओमे के रहेला उ बुराई खींच के और जितना अच्छा चीज रहेला उ ना करेला लोग। तो अपने लोगन के एगो सच्चाई और ई फिल्म के माध्यम से जे मतलब जोन अच्छा लगी उहे अपने लोगन ओमे अपना में परिवर्तन करी लोगन, और जे खराब बा समाज में तेका खराबी होता ओकरा के तेका देख के चली लोगन। बहुत अच्छा लागल आराध्या श्रीवास्तव जी से मिलके और ई फिल्म में काम करे देनी। आराध्या जी, कुछ हमनी के जोन नेपाल सोसाइटी न्यूज देख रहल बानी उ लोग दर्शक लेके कुछ कह दी अपन
नेपाल सोसाइटी के इहे कहम कि ई चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और हमनी के नेपाल में जति जति नया नया ऊ होता उसे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ व्यूज़ चाहिए तो हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम यहाँ के कुछ जनता लोग से भी पूछे के चाहम, यहाँ अपौने गाँव में जौन शूट हो रहा बा तकदीर फिल्म के, और जौन तकदीर फिल्म शूट हो रहा ओकरो भी लोकेशन हम अपने के लोगन के देखा रहा बनी, यहाँ अपने लोगन देख सकत नहीं। एमे के विलेन और हीरो तो अभी ना आएल बरन आज, तो कुछ हमने सर यहाँ कैमरामैन और विलेन लोग भी बनी उनकरा से हम कुछ बात करें। तो अपने लोगन देख सकत नहीं कि बहुत भीड़ लागल बा यहाँ तकदीर फिल्म के शूट हो रहा बा, आ यहाँ के बानी तकदीर फिल्म के मेन विलेन। तो सबसे पहले इनकरा से जानल जाओ इनकर परिचय का नाम बा इनकर। नमस्कार, हमर सुरेंद्र प्रसाद यादव नाम परी। ऐसे ही साथे साथे हम नेपाल सोसाइटी न्यूज के नमस्कार भी करे के चाहते नहीं। ये फिल्म में अपने के मतलब पता लगल कि अपने विलेन के रूप में आयल बनी ना, विलेन के रूप में अपने के रोल बा, तो कैसा लागत अपने के विलेन का रूप लेके? बहुत अच्छा लागत आ जोनी बाबा भी फिल्म से हमनी के जैसे बेटिया रानी बहुत प्यार माया लोग दुलार दिलक, बेटिया रानी में एगो हम शरीफ गाँव घर के रोल खेल बानी, प्रेम पंछी शॉर्ट मूवी, बहुत जुलमी दहेज जौन हमनी के अभी रिलीज खाली बीरगंज में चलल बा, इंडिया में अभी रिलीज नहीं भइल, इंडियो में रिलीज हुई, ई सब मूवी से भी और आदि तकदीर जौन मूवी बा ई मूवी में ठाकुर के एगो मेन विलेन के रोल बा ठाकुर के, बहुत अच्छा ई शूटे करे में बहुत अच्छा ई फिल्म भी शूट करे में भी मजा भी देता, एक डायलॉग भी बहुत अच्छा भी डायलॉग अच्छा अच्छा भी बा। अच्छा अपौनी गाँव में अपने लोगन जो शूट कर रहा बन तो यहाँ के जनता लोग अपने के सहायता दे तारन कि ना, मतलब अपने लोगन के साथ दे तारन कि ना? यहाँ अपौनी गाँव के जितना युवा साथी भाई बा लोग बहुत सहयोग कर ला लोग, हमनी के यहाँ के अपौनी गाँव के सब जितना युवा साथी बच्चा बा लोग जो बूढ़ पुरानिया से लेके अगर बूढ़ पुरानिया तो मोबाइल ना चलल मनी युवा लोग के सब लोग के था बा से बाबा भी फिल्म के हमनी के हर एक मूवी के लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ला लोग बहुत सपोर्ट कर ला लोग, ऐसे हमनी विशेष मने मूवी अपौनी गाँव में हमनी जैसे भी थोड़ से बहुत शूट करबे करे निशन हर एक मूवी हल्का ना तो कम बेस यहाँ शूट करबे करे निशन हमनी जी। तो ये आज फिल्म के कितना अभी शूट बाकी बा, कितना हो गई बा कुछ बतावे के चाहम दर्शक बिन के? लगभग आधा ई मूवी के काम हो गई बा, 40 मिनट तक ले शॉर्ट मूवी बनता, 40 मिनट दो एक दो मिनट कम बेस हो सकता, आधा काम हो चुकल बा अभी आधा बाकी बा। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र यादव जी के जे तकदीर फिल्म में एक विलेन के रूप में बानी और बहुत अच्छा काम करे नी, और इनकर बहुत सारा फिल्म बा और बहुत सारा फिल्म में काम कैले बरन, बाबा बी फिल्म्स के प्रस्तुति है और बाबा बी फिल्म से ही फिल्म आवे वाला बा, और कितना दिन में आई सर कुछ जनता के बताएं? लगभग महीना दिन के भीतर में आ जाए फिल्म जी। तो अपने लोगन जितना दर्शक बिन बनी अपने लोगन देख रहा बन तो ये फिल्म अपने लोगन के यूट्यूब पर बाबा बी फिल्म्स पर महीना अभी तक ना कहे के पड़ल लेकिन एक महीना के अंदर में अपने लोगन के ये फिल्म देखे के मिली। तो चलिए कुछ जानत है यहाँ के जनता लोग के बारे में कि कैसन यहाँ अगर शूट हो रहा बा तो का बा और कैसन ये लोग के लागत आ अपौनी गाँव के जनता लोग के जी। केहू रेडी बोलिए। तो अपौनी गाँव के एक युवक बनी और यहाँ पर इनकर गांव में एक शूटिंग हो रहा बा, तो इनकरो राय विचार जान लेवल जाओ कि कैसन हो रहा बा शूटिंग तकदीर फिल्म के। सबसे पहले इनकर परिचय लेवल जाओ। हमर नाम संदीप कुमार पुरीपुरी, हमर यही जान ये ग्राम में घर बा। आ तकदीर फिल्म के बात करें तो तकदीर फिल्म एगो समाज में घटित घटना के लेके ये फिल्म जे भी निर्माता बानी वो निकलले बानी बहुत सराहनीय काम बा, कम से कम समाज में एकर अब कुछ प्रभाव पड़ी, समाज भी कुछ अपन मेंटालिटी चेंज करके आ सामाजिक तौर तरीका से जिए के एगो जीवन यापन करे के एगो शैली के रूप में हमनी देखत नहीं सन। जौन भी अभी सीन हमनी जौन हमनी के गांव में जौन सीन जौन निकालल जाता उस सीन से उहे झलकता कि समाज में एगो परिवर्तन होके शिक्षित बुद्धिजीवी लोग के एगो पहचान बनी, वही हिसाब के ये फिल्म बाटे तकदीर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी, इनकर अपन कुछ राय दिलन। तो चलिए
अंत में हमने से आगे बनी और कुछ यहाँ के जे डायरेक्टर बनी और कैमरामैन। हेलो सर, कैमरामैन जी एक मिनट, हमने के सब केहू के अपने लोगन के बता देनी तकदीर फिल्म के कैरेक्टर और सब मेन जे जिनकर काम बा कैमरामैन जे कि कैमरा के पिछाड़ी रहनी हाँ कि ना, और कैमरा प्लस डायरेक्टर भी बानी। तो चलिए इनकरा से पूछल जाओ और ये अपना अंदाज में अपन कुछ नाम बतैन, अपना बारे में बतैन और ये फिल्म के भी बारे में बतैन कि कैसन फिल्म होके वाला बा जी। सबसे पहले सब क्योंकि नमस्कार, जितना भी न्यूज नेपाल सोसाइटी न्यूज़ देखे वाला जितना भी श्रोता लोग बानी सब केहू के दसों अंगुरी जोड़ के नमस्कार बा। हम डायरेक्टर कृष्णा पंडित के तरफ से और बता दें कि फिल्म जोन हमनी के तकदीर बना रहा बानी सुना शूटिंग चल रहा बा हरपत के चपौनी में और बहुत मेहनत हो रहा बाटे, बहुत अच्छा बा। सामाजिक पर हमेशा बाबा बी फिल्म समाज पर आधारित जौन भी हमनी मूवी बनावे नी सन, जो हमनी के समाज में देखल जाए तो बहुत ज़्यादा विकृति फैलल बा लेके दहेज के ऊपर अनेक बाटे एकर, मगर हमनी सतीत घटना पर ही अपन जौन समाज में विकृति बढ़ रहा बा ओकरे ऊपर लेके बनावनी सन। ये भी फिल्म वैसन के बाटे और कुछ अलग अंदाज में बाटे। बहुत जल्द रहुआ लोग के यूट्यूब चैनल बाबा बी फिल्म्स ऑफिशियल चैनल के माध्यम से देखे के मिली, तो बस ऐसे ही अपन प्यार दुलार बनाई लोग जो हमन के पूरा टीम अभी उपस्थित यहाँ बानी सन। शूटिंग सर तो बतेबे कहीं देखेबे कहीं लोकेशन और बहुत अच्छा बा। हम ये चाहेम जो रुआ लोग दर्शक लोग जे हमनी के सपोर्ट करते हैं ये चैनल के भी सपोर्ट करी और आगे बढ़ाई जी। धन्यवाद कृष्णा जी के। और आज के हमनी के यहाँ जोन सीन रख हम अपने लोगन के बता देने मिलत है अगले वीडियो में। तब तक अपने लोगन हमारे चैनल नेपाल सोसाइटी न्यूज़ के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करल ना भूलाएम, क्योंकि कमेंट के ही जरिए हमनी के मालूम चली कि का कैसन वीडियो हमनी के आवता, अपने लोगन के कैसन मतलब लाग रहा बा। अपने लोगन कमेंट के माध्यम से अपने लोगन बताई और नेपाल सोसाइटी न्यूज़ के अपन प्यार दुलार बरसाई। चली मिलत है अगले वीडियो में।